हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जिसकी हेल्प से आप अपने स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और स्पॉटलेस बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ वो है शहनाज हुसैन की रेमेडी। अगर आप मार्केट के महंगे महंगे प्रोडक्ट्स को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ शहनाज हुसैन के ब्यूटी टिप्स फॉलो कर लोगे तो आपके स्किन में जो निखार आएगा वो देखने लायक होगा। साथ ही साथ आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी। अगर आपके स्किन में एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, टैनिंग की प्रॉब्लम है तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी और आपको यंग, ग्लोइंग और यूथफुल स्किन मिलेगी। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही ईजी है। इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है। 100% रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इस रेमेडी के। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी योगर्ट की, यानी दही की। दही आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगी, मॉइस्चराइज करेगी, साथ ही साथ दाग धब्बे की प्रॉब्लम को भी दूर करेगी। तो सबसे पहले आपको दही लेनी है। दही के बाद हमें चाहिए टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन करने के साथ साथ इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, जिससे हमारी स्किन पर अगर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन, टैनिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी और हमारी स्किन वाइट एंड ब्राइटन हो जाएगी। और लास्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए विटामिनी कैप्सूल। विटामिनी कैप्सूल भी हमारी स्किन की ड्राइनेस को दूर करेगी। तो अब बात करते हैं कि अब हमें इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना है। ये बहुत ही नेचुरल और इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसको बनाना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको एक क्लीन बोल लेना है जिसमें आपको 2 चम्मच दही ऐड करनी है। दो चम्मच दही डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच विटामिन कैप्सूल ऐड करूँ। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप इसमें कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 विटामिन कैप्सूल ऐड करूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँ 1/2 टीस्पून ग्लिसरीन। अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 पिंच हल्दी ऐड करनी है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, स्किन की ड्राइनेस को दूर करेगी, साथ ही साथ इसमें मैंने हल्दी ऐड की है। हल्दी आपकी स्किन से एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, टैनिंग की प्रॉब्लम को दूर करके आपको वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो यहाँ पर मेरी DIY स्किन वाइटनिंग रेमेडी एकदम रेडी हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी आपको इसी तरीके की रखनी है। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसे किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। इसको यूज़ करने से पहले आपको अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि आपके फेस से डस्ट, डर्ट जो भी है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। और उसके बाद आप ब्रश की हेल्प से अपने फेस पर इस रेमेडी को अप्लाई कर लीजिए। अगर आप इसे दिन में एक बार यूज़ कर लोगे तो आपकी स्किन में निखार आएगा, साथ ही साथ स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी। शहनाज हुसैन के ब्यूटी टिप बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव होते हैं। बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ उनसे ही अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए टिप्स लेते हैं। तो आप भी शहनाज हुसैन के ब्यूटी टिप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव होते हैं। इसको पूरे फेस पर लगाने के बाद आपको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से अपने फेस की मसाज करनी है। मसाज करने से आपकी स्किन की डेड स्किन निकल जाएगी और आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग हो जाएगी। दही से हमारी स्किन पर अगर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन, झाइयों की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगी। जिन लोगों को झाइयों की प्रॉब्लम है तो ये रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अपने पूरे फेस पर कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसाज करने के बाद आपको उसे सूखने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना। तो मैंने यहाँ पर अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मेरा फेस इसके पहले यूज़ से कितना ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है, कितना ज़्यादा शाइनिंग नज़र आ रहा है। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको इस रेमेडी के बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे डेली यूज़ कीजिए।
आप इसे डेली यूज़ करेंगे तो आपको आपकी स्किन में फ़र्क देखने को मिलेगा कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है, शाइनी हो गई है, सॉफ्ट स्मूथ हो गई है। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो ये रेमेडी आपके लिए बेस्ट है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।